आज के दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर, जो कि नारद पुराण से ली गई है। ओके, मुरारी का जो नया नया नाम है और जो उनके गुणगान रूपी अमृत से पुष्ट हुआ है, उसका जो लोग लज्जा छोड़कर हर्षोल्लास के साथ गान करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। नव्यम नव्यम नामधेयम मुरारे यत उच्चय पीयूष पुष्टम, ये गायंती तक्त लज्जा सहर्षम जीवन मुक्ता संशय नास्ति। तो बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री मुरारी का नाम है वो नया नया है। क्या नया नया? नया नया कैसे? हम तो जानते हैं। तो बताया जा रहा है जो कि उनकी नाम मतलब मुरारी के जो नाम है कि महिमा से पुष्ट है, यानी कि नाम पुष्ट कब होगा? जो नाम की महिमा सुनेंगे उससे नाम पुष्ट होगा। जैसे हम लोग ये क्यों करते हैं हरि नाम की महिमा? वाई? क्योंकि ये जो महिमा सुन करके हमारा नाम जब पुष्ट होता है इससे, देन वी कैन सी दैट ओके यस, ये हरि नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र इज एवरी डे, इट इज न्यू एंड न्यू। और जो इस भाव में आ जाएगा, यानी कि यस, ये तो भगवान कृष्ण का नाम इज एवर फ्रेश, इज सो ग्लोरियस, वाह, जो इस भाव में आ जाएगा वो क्या करेगा? तक्ता लज्जा हर्षोल्लास, उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, सारी लज्जा को छोड़ करके दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, नाचता है भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, ऊंचा ऊंचा उनका नाम लेता है वो, क्योंकि अब उसको दुनिया की परवाह नहीं है कौन क्या सोचता है। ये जो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, वो लोग नाम में नाचते नहीं है, ऐसे हल्के हल्के कहेंगे हरे कृष्ण हरि बोल, ऐसे कौन नाचता है? यदि हम बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, हम वी आर वेरी डिसेंट, हम बहुत एलीट क्लास से आते हैं, तो इसलिए हरि बोल हरि बोल, थोड़ा लज्जा छोड़े, कहते हैं लज्जा नहीं छूटेगी जी अभी, क्योंकि नाम की महिमा। लेकिन जिसको नाम की महिमा से पुष्ट होके जिसने नाम लेगा, वो हर्षोल्लास के साथ बेहिचक बेधड़क बेशरम होकर के वो भगवान के नाम में नाचता है, ऐसे व्यक्ति को बताया गया है, ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त है। मतलब कि संसार में है पर एक्चुअली वो संसार का अब नहीं रहा, क्योंकि अब उसने लज्जा त्याग दी है हरिनाम लेने में। अब कौन जिसको सोचना है सोचे जी, हमको तो उत्साहपूर्वक लज्जा छोड़ करके नाम लेना है, लेकिन उसके लिए नाम की महिमा सुननी पड़ेगी और बार बार नाम भी लेना पड़ेगा। देन मुरारी का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र विल अपीयर ऑलवेज एवर फ्रेश। हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब वैष्णव भक्ति चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प ऋषि समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान गुरु हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।